स्वागत है गाइस का नई कमाल की वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरक्स स्कोप के बारे में और आपको पता ही होगा कि अपना फॉरक्स का सेंसिटी कैसे सेट कर सकते मतलब एक फॉरक्स ऐसा स्कोप था पहले कि जब मतलब ओनली अवेलेबल था जब थ्री एक्स और सिक्स एक्स नहीं था तो आपको पता ही होगा कि हम तब टाइम फॉरक्स का स्प्रे किया करते थे अब जब से थ्री एक्स और सिक्स श्री आ चुका है गेम में तब तो अच्छी बात है बट हम फॉरक्स का स्क्रीन मतलब स्कोप का जो स्प्रे होता है वो रेगुलर कर नहीं पाते और हमारा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस छूट गया है तो हम फॉरक्स का स्प्रे कर नहीं पाते तो आज के वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जायरो नॉन जायरो प्लेयर फॉरक्स का स्प्रे का सेंसिटिविटी कैसे सेट कर सकते हो और एकदम लेजर स्प्रे फॉरक्स का कैसे दे सकते हो और क्या क्या अटैचमेंट यूज़ करना चाहिए तो मैं बात वीडियो में पूरा बताऊँगा तो वीडियो को पहली बार आए हो तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पर पहले आए हो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब मार देना तो चलो बिना कोई देर के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो एम वाला मतलब ये वाला मैंने प्रैक्टिस करके बनाया था बट इसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया था देखो बैकग्राउंड में जो चल रहा है तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन के एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद देखो कि कैसे करते हैं सब कुछ और आपको यहाँ पर एम फॉरेक्स मिल जाएगा इस स्पॉट में आ जाओ या कोई भी जगह पर जाओ फॉरेक्स्ट मिल जाएगा आपको तो फॉरेक्स्ट मिलने के बाद आपको क्या करना है और कैसे करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉरेक्स लगाना है मैं यहाँ पर एम फोर यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास एम फोर का एम कमी होगा तो बाद में आके आप एके एम पे भी ट्राई कर लेंगे थोड़ा बहुत तो यहाँ पर मेरे को फोर मिल चुका है और हमारे पास एम भी मिल चुका है तो चलो पहले अपन थोड़ा बात कर लेंगे कैमरा सेंसरिटी के बारे में तो कैमरा सेंसिटी अपना बेसिकली ये रहता है कि बिना फायर के जब अपन ऐसे करते हैं ना तो आपको ऐसे करना है कि लेफ़्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट देखना है और आपका स्कोप एकदम एक्यूरेट एक स्ट्रेट चलना मतलब एक चाहिए मतलब एकदम ऐसे रहना चाहिए स्ट्रेट तो आपको ऐसे देख लेना है लेफ्ट टू राइट लेफ्ट और यहाँ पर देखो मैं वन कर देता हूँ तो मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ तो इसी तरह आपको कैमरा सेंसिटिविटी चेक कर लेना है यहाँ पर और आपको मतलब अपना कैमरा का के सेंसिटिविटी पंद्रह पे एक बार कर लो और वहाँ से आपको बढ़ा के जाना है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पंद्रह पे करूँगा और ट्राई करूँगा कि इजीली कंट्रोल कर पाओ तो देखो यहाँ पर मैं पंद्रह पे कर लेता हूँ और लेफ्ट टू तो राइट कंट्रोल तो कर पा रहा हूँ बट फिर भी थोड़ा नीचे ऊपर नीचे जा रहा है आप देख पा रहे हो तो शायद ये मेरा जायरो की वजह से जा रहा है मेरे को नहीं पता बट थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर और सत्रह पे करने के बाद हमारे शायद यहाँ परफेक्ट मेरे लिए बैठ गया है तो सत्रह पे करने के बाद वहाँ पर मेरे लिए अच्छा से बैठ जाता है तो मैं यहाँ पर सत्रह पे इसको सेट कर लेता हूँ बात करेंगे ए डी एस सेंसीविटी के बारे में ए डी एस सेंचिविटी यानी कि एम डाउन सेंसीविटी इसका मीनिंग ये होता है एम डाउन सेंसीविटी बेसिकली ये सेंसिविटी आपको रिकॉल कंट्रोल में हेल्प करेंगे तो आपको देखो कि देखो ऐसे ही आप देखते हुए आता है, है कैमरा में और फायर के क्राइम कर दो तो, तो आ जाए आता है ए डी एस सेंसिविटी में यहाँ यूज हो रहा है कैमरा मतलब फॉरेस्ट का ए डी एस सेंसिविटी तो आपको इसको कैसे सेट करना है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर देखो मैं इसको एक पर पंद्रह पे ट्राई करूँगा उसको भी पंद्रह पे ट्राई किया इसको भी पंद्रह पे कर करके ट्राई करूँगा तो पंद्रह पे यहाँ पर मैं थम से ड्रैग करके कंट्रोल कर पा रहा हूँ और हो भी रहा है थोड़ा बहुत और क्रॉस करके कर रहा हूँ तो हो रहा है और थोड़ा ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बढ़ा लूँगा प्लस कर लूँगा तो यहाँ पर ईजिली हो पाएगा और थोड़ा नीचे जाता है तो आपको क्या करना है थोड़ा मतलब आपका सेंसिटिव बहुत ऊपर नहीं जा रहा है और देखो यहाँ पर जैसे ऊपर जाएंगा तो जैसे आपका स्कोप मतलब ऊपर जा रहा है बहुत ज़्यादा तो आपको क्या करना है कि आपका सेंसुरटी आपको आपको प्लस कर लेना है थोड़ा बहुत प्लस एक एक हाथ प्लस करके देखो मैं साला पीक लेकर क्यों मार रहा है मेरे को नहीं पता तो देखो यहाँ पर मैं करूँगा तो जैसे आपका ऊपर जाए तो आपको प्लस करना है और जैसे आपका नीचे जाए तो आपका एडीएस को माइनस करना है इस तरह आपको एक दिन एक दिन क्या थोड़ी देर में आपको एकदम परफेक्ट स्कोप मिल जाएंगे मतलब आपका सेटिंग मिल जाएगा ऊपर नीचे करते रहना और इजीली आप अपना परफेक्ट सेंसिटिव मिल जाएंगे यहाँ पर तो ज़ाहिरों की बात करेंगे तो जाहिरों तो मेरा जहरो पर हंड्रेड पे इसको मैं एक पे कर दूंगा अब मैं मतलब टोटली डिपेंड हूँ अपने ए डी एस पे तो अभी मैं ए डी एस से फोर का मेरे को कंट्रोल करने में बहुत मतलब दिक्कत देता है तो देखो मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ बट मेरा बहुत उंगठ मैंने ड्रैग कर लिया पूरा पूरा ड्रैग कर करके पूरा डिस्प्ले के बाहर चला गया और यहाँ पर मैं टू हंड्रेड कर दूँगा जायरो और टू हंड्रेड करने के बाद देखो क्या होता है यहाँ पर वो देखो मैं अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर रहा हूँ और हो भी रहा है इज़िली तो आपको भी ट्राई करना है दो सौ पे करके और धीरे धीरे घटा दे जाना है क्योंकि धीरे धीरे घटाओगे तो ही आपको पता चलेगा और थोड़ा लॉन्ग रेंज में ट्राई करना तो आपको पता चल जाएगा देखो यहाँ पर कंट्रोल हो पा रहा है टू हंड्रेड पर बट फुल्ली टू हंड्रेड आपको नहीं करना है आपको करना है कंट्रोल और आपको मतलब थोड़ा सा घटाते जाना है घटाते जाऊँगा और आपको परफेक्ट सेंसिटी यहाँ पर मिल जाएगा ज़ाहिरों का भी और आपको फुल गाइड वाला चाहिए तो आई बटन पर लिंक मिलेगा वहाँ से जाके आपको फुल गाइड वाला आपको देख लेना है और आपको ग्रिप कौन सा यूज़ करना है तो वर्टिकल ग्रिप यूज़ कर लेना और एंगल ग्रिप अब मतलब आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हो कि आपका जल्दी से स्कोप ओपन हो जाए तो एंगल ग्रिप ओपन कर लेना बाकी आप वर्टिकल ग्रिप यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि फॉरेक्स में वर्टिकल रिक्वल ज़्यादा रहता है बेसिकली मैंने पाया है कि फॉरेक्स में वर्टिकल रिक्वल थोड़ा ज़्यादा रहता है तो वर्टिकल ग्रिप ही यूज़ करना मैं कर का मैंने करूँगा वर्टिकल ग्रिप यूज़ किया करो तो आपको यहाँ पर और क्या और एक बात बताना चाहो कि आप भी क्विक स्कोप को आपकी कस्टमाइज आप कहाँ पर लगाना कहीं पर भी लगाना चाहते हो तो आप चाहते हो कि आप अपना मतलब क्विक स्कोप को आपके कस्टमाइज जगह पर आप चाहते हो वहाँ पर लगाना चाहते हो तो मेरे को बताना कमेंट में आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो अपने क्विक स्कोप तो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो और आज के वीडियो में इतना था वीडियो पसंद है तो लाइक करना मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय